नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एनटीपीसी के लिए आप अंतिम 20 दिनों में क्या पढ़े कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए, आपका मार्क्स 100 प्लस आ जाए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ कि आपको क्या पढ़ना है अंतिम 20 दिनों के अंदर। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, देखिए कई यूट्यूबर आपको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं कि टेक्स्ट बुक का पास खरीद लो या फिर अनअकैडमी का पास खरीद लो। तो ये पास आपको बिल्कुल भी खरीदना नहीं है। देखिए, इनका आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या फिर आप मॉक टेस्ट या फिर प्रीवियस ईयर सेट लगा करके कोई फायदा होने वाला है नहीं। देखिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। जैसा कि आपको पता है, 9 मई के अंदर एनटीपीसी का लेवल 6 का 2 पेपर हुआ, ठीक है। 10 मई के अंदर एनटीपीसी का लेवल 4 का 1 पेपर हुआ। तो कुल मिलाकर के आपके पास 3 पेपर है, 3 शिफ्ट का। ये 3 शिफ्ट का आपका पेपर जो है वो लगा लेना है, ठीक है। 3 ऑफलाइन आप लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्रोम ब्राउज़र से कहीं से डाउनलोड कर लीजिए तीनों सेट, और वो तीनों सेट को आप इजिली लगा लीजिए। वहाँ से आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न किस प्रकार से आ रहा है, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स। वहाँ से एक आपको आइडिया लग जाएगा, और उसके बाद आप इन टॉपिक को पढ़ें जिन टॉपिक को मैंने कवर किया है यहाँ पे। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मैंने तीनों सेट लगा करके ये आपका टॉपिक तैयार कर दिया है। यही टॉपिक से आपका मैक्सिमम प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं। और देखिए फ्रेंड्स, एनटीपीसी के अंदर ना आप देख सकते हैं, प्रीवियस ईयर सेट के अंदर भी अभी भी आप देख सकते हैं, लेवल 4 और लेवल 6 के एग्जामिनेशन जो हुआ था एकदम सेम पैटर्न को फॉलो करता है। कहीं से क्वेश्चन आगे पीछे नहीं करता है। जैसा पैटर्न पूछ रहा है वही पैटर्न को फॉलो करेगा, चाहे वो मैथ का पेपर हो, चाहे रीजनिंग का पेपर हो या फिर जीएस का पेपर हो। तो देखिए फ्रेंड्स, वही तीनों सेट के आधार पर मैंने यहाँ पर कंक्लूजन निकाला है और एक प्रमुख टॉपिक तैयार किया है। इन टॉपिक को लास्ट 20 दिनों में आप पढ़ लें और अपना मार्क्स जो है बूस्ट कर लें। लेकिन मैं इससे पहले आपको क्लियर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आप जरूर वो तीनों सेट लगाएं, ठीक है। वो तीनों सेट अगर लगा लेते हैं, 9 मई वाला और 10 मई वाला, तो आपको एक बेसिक कंसेप्ट मिल जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा कि आपका क्वेश्चन कैसे होगा, और साथ में आपका टाइम भी मैनेजमेंट हो जाएगा वहां पर कि भाई इतना टाइम के अंदर हमें ये क्वेश्चन कर लेना है। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स, आपको कौन सा टॉपिक कवर करना है। सबसे पहले पॉलिटी की बात करें फ्रेंड्स, तो पॉलिटी के अंदर देखिए जो मुख्य रूप से क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो आर्टिकल से पूछ रहे हैं, ठीक है। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, उसके बाद प्रमुख संविधान संशोधन, फिर संविधान का विकास आप पढ़ लीजिएगा, मौलिक अधिकार, राज्य का नीति निर्देशक तत्व और पंचायती राज। देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन पे आया था कि आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, तो पंचायत से संबंधित है जो कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। वहीं फ्रेंड्स, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री से आपको गांधी युग पढ़ लेना है, कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन पढ़ना है, और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जितने भी पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें थी, धार्मिक सुधार आंदोलन था, उसके बाद गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय पढ़ लीजिएगा। देखिए, धार्मिक सुधार आंदोलन से भी प्रश्न पूछा था कि परमहंस मंडली जो है वो इसका स्थापना कब हुआ था, ठीक है। आज देख लेते हैं और से टॉपिक। वहीं ज्योग्राफी की बात करें फ्रेंड्स, तो आपको देखिए मुख्य रूप से भारत के प्रमुख नदी बांध पूछ लेना है, नदी से कई क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वन्यजीव अभयारण्य आप देख लीजिएगा, राष्ट्रीय उद्यान देख लीजिएगा, सौरमंडल और पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ये एक प्रमुख टॉपिक है फ्रेंड्स। वहीं कंप्यूटर की बात करें तो जितने भी शॉर्टकट कीज हैं, जैसे URL का पूछ दिया था, इंटरनेट से संबंधित जानकारी आप पढ़ लीजिएगा, MS Word और MS Excel को एक बार आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद साइंस की बात करें फ्रेंड्स, तो आवर्त सारणी से कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे कि कौन सा एलिमेंट किस ब्लॉक से बिलोंग करता है, प्रमुख जितने भी इकाई है और उसके मात्रक, जैसे आवेश का मात्रक पूछ दिया था, बल का SI मात्रक पूछा, तो ये सारे क्वेश्चन को एक बार देख लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बात करें, साइंस और टेक्नोलॉजी की, तो आपका कुछ नहीं पढ़ना है। इसरो के द्वारा जितने भी सेटेलाइट लॉन्च किए गए हैं, उनके लॉन्च व्हीकल जैसे PSLV C51, GSLV, ये सब जो है जितने भी लॉन्च व्हीकल है ये एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है। वहीं करंट अफेयर की बात करें फ्रेंड्स, तो करंट अफेयर के अंदर जो है आप रैंकिंग देख सकते हैं, नियुक्तियां देख सकते हैं, नवीनतम मंत्रिमंडल। अभी देखिए नियुक्तियां के अंदर से पूछा था आपका जो एयरफोर्स का हेड चीफ कौन है, तो VR चौधरी, ये सब जो है वो पूछा था। पुरस्कार सम्मान पदक देख लीजिएगा, और साथ में नवीनतम पुस्तकें, तो ये मुख्य टॉपिक है फ्रेंड्स करंट अफेयर से, आप यहाँ से कर लीजिएगा। वहीं विविध की बात करें फ्रेंड्स, तो विविध के अंदर से आपको लोक नृत्य हो गया, पर्व त्यौहार हो गया, प्रमुख संस्थाएं हो गया, जनगणना जरूर पढ़िएगा फ्रेंड्स। जनगणना 2011 से कई प्रश्न पूछे जा रहे हैं। वहीं यूनेस्को में शामिल वर्ष जो है, जैसे कि लाल किला पूछ दिया था कि किस वर्ष यूनेस्को के अंदर शामिल हुआ था, तो यहाँ से प्रश्न महत्वपूर्ण बन रहे हैं फ्रेंड्स। वहीं आप देख लेते हैं कि मैथ और रीजनिंग के अंदर आपका कौन सा टॉपिक रहने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, रीजनिंग की बात करें ना, तो रीजनिंग के अंदर से आपको 35 मार्क्स का प्रश्न पूछेगा, जिससे आपका सीटिंग अरेंजमेंट से कई प्रश्न बन रहे हैं फ्रेंड्स। 9 से 10 नंबर के प्रश्न जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट से बन रहे हैं, तो आप सीटिंग अरेंजमेंट ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। कोडिंग डिकोडिंग भी आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, 5 से 8 नंबर के प्रश्न बन रहे हैं। वहीं कैलेंडर से 2 से 3 नंबर का, तो कैलेंडर ये प्रमुख टॉपिक है फ्रेंड्स, आप एक बार कवर जरूर कर लीजिएगा। आप इसको चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, तो ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि बार बार यहाँ से अभी तीनों शिफ्ट के अंदर प्रश्न पूछे हैं फ्रेंड्स।
तो आप चाहे तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वहीं मैथ की बात कर लेते हैं, तो मैथ के अंदर देखिए मुख्य रूप से आपका सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन से पूछ रहा है, जो कि 7 से 9 क्वेश्चन है। मेंसुरेशन से आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। मीन मीडियन मोड भी आप कर लीजिएगा फ्रेंड्स, आपका 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। प्रश्न बन रहे फ्रेंड्स त्रिकोणमिति भी आप ढंग से देख लीजिएगा, ये अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, एकदम ईजी वे का क्वेश्चन नहीं है, बढ़िया लेवल का प्रश्न पूछ रहा है। वहीं टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क से भी अच्छे लेवल के प्रश्न पूछ रहे हैं फ्रेंड्स। एवरेज और परसेंटेज भी आप देख लीजिएगा। आप चाहें तो देखिए ये सारे टॉपिक को एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और अंतिम 20 दिनों में इसको आप ऊपर ऊपर से जरूर देख लें, सारे फॉर्मूलाज को एक बार देख लें और अपना तैयारी को मजबूत कर लें। देखिए फ्रेंड्स ये सारे टॉपिक जो है वो पूछ रहे हैं और इतने मार्क्स के पूछ रहे हैं। ये देखिए मैंने जो भी यहाँ कंक्लूजन तैयार किया हुआ है, तीनों शिफ्ट के आधार पर तीनों पेपर को मैंने देखा है और यहाँ से आपको कंक्लूजन निकाला है। तो ये सारे टॉपिक को आप सबसे पहले जो अधिक मार्क्स से पूछे जा रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स पूछे जा रहे हैं, उसको एक बार कवर कर लीजिए। उसके बाद टाइम बच जाए आपके पास, तो ये जितने भी टॉपिक्स नीचे मैंने लिखा है यहाँ से आपको कम नंबर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, लेकिन इसको भी कवर करना जरूरी है, क्योंकि देखिए आपको सिलेक्शन लेना है तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो ये सारे टॉपिक भी आप एक बार कवर कर लीजिएगा लास्ट दिनों में, और एक अच्छा मार्क्स ले आएगा फ्रेंड्स। और NTPC से जुड़ी किसी प्रकार का क्वेरी हो, कोई समस्या हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।